हाय फ्रेंड्स, मैं डीके जोशी आपको इस सबसे पहला ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज ये ब्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूं अपने नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल लेक सिटी से। और आज यहां पर एक चेस टूर्नामेंट है, रैपिड चेस टूर्नामेंट, उसको अटेंड करने के लिए मैं आया हूं। और मेरी हॉबी में एक चेस भी है, शतरंज भी। आप देखिए, नैनीताल में हैं अभी, आप को मैं यहाँ का नैनीताल की जो झील है उसका भी आपको दर्शन कराता हूँ। ये पूरी झील है और हम डांट में अभी पहुँच गए हैं, जो नीचे यहाँ फिर भवाली का रास्ता है और हल्द्वानी से हमने कनेक्ट किया है नैनीताल को। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ आप देखिए, और खिली हुई धूप यहाँ पर, और बहुत सुंदर जगह है नैनीताल। तो इंटरनेशनल सिटी है ये, तो ऐसे जगहों से जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो लोगों के लिए एक अलग ही कौतूहल होता है नैनीताल। और खूबसूरत शहर, यहाँ आते ही आदमी को एक अलग ही और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और यह शहर किसको नहीं भाता, और ऐसे शांत और आनंद से भरपूर शहर में यदि शतरंज की बात की जाए तो फिर क्या कहने। तो आज हम शतरंज खेलेंगे, और आज दिन की अपडेट आपको इस में आगे हम दिखाएंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इतना ज़रूर है कि आने वाले दिनों में भी आपको तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ में हम रहते हैं वो भी इस ब्लॉग के माध्यम से आपको रेगुलर दिखाई देगी। और बने रहिए, अब देखते हैं आगे आज के दिन की दिनचर्या आपके साथ हम आपको पूरी शेयर करेंगे। और अभी हम चल रहे हैं लोअर माल रोड से मल्लीताल की तरफ चल रहे हैं, और मेरे साथ प्रकाश मेरे साथी हैं जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और हमारे सहयोगी हैं, प्रकाश चंद जोशी। तो ये हमारी, देखिए, पूरी लेक का व्यू मैं अपनी कार से आपको दिखा रहा हूँ। और माँ नैना देवी का मंदिर आगे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आस्था का प्रतीक यहाँ पर। और शांत झील नैनीताल की, मल्लीताल का क्षेत्र पूरा आपको, चाइना पीक भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, उधर टिफिन टॉप है, और बड़ा पत्थर, हम इसको बारा पत्थर बोलते हैं। तो ये एरिया यहाँ पर हम गुजर रहे हैं, ये यहाँ की बहुत पुरानी लाइब्रेरी है नैनीताल की। तो ये दोस्तों आज के दिन की गतिविधियाँ आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिन भर की दिखाई देंगी। और जल्दी ही मल्लीताल शारदा संघ में हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। शारदा संघ में जो चेस टूर्नामेंट हो रहा है उसमें मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। और ठंड नैनीताल में, चाय की चुस्कियाँ न लें तो फिर नैनीताल का आनंद अधूरा है। और खिली हुई धूप चारों तरफ, आप देखिए पीछे, मेरे पीछे आप, ये चाइना पीक है, और सुंदर खूबसूरत इस वादी में
खिली हुई धूप और नैनीताल तटीय से मैदान नीचे आप देखिए, यहाँ पर फ्लैट्स में बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती है, और पीछे आप देखिए नैनीताल झील दिखाई दे रही है और लोग उसमें नौकायन भी कर रहे हैं, रोइंग कर रहे हैं, और सुंदर जगह पर चेस टूर्नामेंट नियमित रूप से नैनीताल में होता है। आज रैपिड चेस चैम्पियनशिप हो रही है, ओपन है, और इस टूर्नामेंट में क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी के बतौर भाग ले रहा हूँ, तो आप chessresults.com में भी इस टूर्नामेंट के इवेंट्स की अपडेट्स लगातार देख सकते हैं। आज 30 अक्टूबर का सुबह का समय है और ऐसे सुंदर रमणीय स्थान पर नैनीताल जैसे शहर में चेस का आनंद लेने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं, अल्मोड़ा से आए हैं, यहाँ तक कि रामपुर से आए हैं, बरेली से आए हैं, हल्द्वानी से आए हैं, और पास के लोकल के खिलाड़ी तो हैं ही। आप भी कभी चेस का शौक रखते हो तो ज़रूर नैनीताल में जब भी चेस का आयोजन हो उसमें भाग लें। ये देखिए नैनीताल, ये पूरा ग्राउंड है और ये ग्राउंड के आसपास आप देखिए गाड़ियाँ भी हैं और मस्जिद है, यहाँ मस्जिद भी है, और ये ऊपर हाईकोर्ट चाइना पी एरिया है, और उधर यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज है, और साथ में आगे आप देखिए नैनीताल का नज़ारा। शांत नैनी झील में लोग नौकायन का भी आनंद ले रहे हैं, माँ नंदा देवी का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, गुरुद्वारा भी, और ये ग्राउंड है, फील्ड फ्लैट, यहाँ पर नियमित रूप से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और अन्य प्रतियोगिताएं भी होती हैं। और ऐसे जगहों का अगर आप आनंद लेते हैं चाय की चुस्कियों के साथ तो कुछ और ही मज़ा है। नैनीताल काफ़ी मात्रा में आप दिख रहे हैं, 17, 18, 19 को काफ़ी बारिश, और नैनीताल में तो लोअर माल रोड भी पूरे पानी से भर गई थी, तो आज काफ़ी चहल पहल है, खिली हुई धूप है और सुंदर लेक का नज़ारा, यही नैनीताल की खूबसूरती है। और देखिए रौनक है चारों तरफ। ये अभी मैं पंत पार्क नैनीताल में, ये मार्केट है यहाँ की, नैना देवी मंदिर की तरफ जाने वाली मार्केट है फ्लैट के बगल में, और यहाँ पर काफ़ी लोग खरीदारी करते हैं और सभी प्रकार के ज्वेलरी, कपड़े और सामान यहाँ पर मिल जाते हैं।
छः राउंड सात राउंड के मैच होंगे, तो शारदा क्लब पर हुआ था शारदा संघ, तो अभी मैं मंजीताल के शारदा क्लब के पास हूँ, मस्जिद थाने और ICICI बैंक के पास हूँ। है दोस्तों, अब नैनीताल से हम हल्द्वानी जाएंगे के पास टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर हूँ मैं अभी। तो दोस्तों, अब हम नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं। आज के चेस चैंपियनशिप में चार राउंड हुए और उसमें से दो अंक मैंने भी प्राप्त किए हैं। सात राउंड की यह प्रतियोगिता है, ओपन रैपिड चेस चैंपियनशिप है, जो शारदा क्लब के द्वारा मल्लीताल में खिलाई जा रही है। अब देखते हैं, कल भी हम आएंगे नैनीताल के इस आज के सुंदर वातावरण और यहाँ की आबो हवा, और दिन में खिली धूप अभी आप देख सकते हैं, ताल में अभी भी लोग जो है रोइंग कर रहे हैं, नाव में सवारी कर रहे हैं, और ऐसे सुरम्य वातावरण में जब कोई भी पर्यटक आता है तो उससे कहिए कि पूरा मन लग जाता है उसका, यहाँ पूरा दुनिया भूल करके। तो आज का दिन बहुत सुंदर रहा, अच्छा रहा, और नैनीताल कब पता चला समय का ये अंदाज ही नहीं आया। अभी शाम के 4:51 हो रहे हैं, तो अब हम तलीताल आ गए हैं माल रोड, अपर माल रोड से जाते हुए, और नैनीताल का यह दृश्य लगातार लोगों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, अब मैं अपने घर पहुंच गया हूं और आज की दिनचर्या से जुड़ी हुई ब्लॉग आपको कैसी लगी आप ज़रूर प्रतिक्रिया दें, और आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद।